आज मैं यहाँ कुलेश्वर चौराहा थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत कुलेश्वर चौराहा फायर ब्रिगेड के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर एक मार्केट थी जो अचानक, लोगों का मानना है पहले दरार थी, अचानक ये अपने आप जो है गिर गई और इसमें बताया जा रहा है 6 से 7 दुकानों में लोगों का मानना है कि बाजार है, उनका मानना है कि लाखों का सामान था जो एकदम से मगर यहाँ पर उसकी मरम्मत नहीं की गई। हम अभी ऐसा कुछ मामला हुआ है, ये क्या कुछ मामला हुआ, सुबह कितने बजे हुआ है? देखते देखते पूरी और अभी तक इस पर किसी की निगाह नहीं है, थोड़ा दिक्कत, ना कोई प्रशासन वाला आया है, ना कोई आया है। हम लोग फोनों से खड़े हैं, सबको फोन कर रहे हैं, कहीं कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। मकान मालिक को बस किराए से मतलब था, वालों से कहा गया इसकी देख रेख करने ध्यान नहीं देते थे और जिसके चलते घटना कट गई है। इसमें करोड़ों रुपये का माल दबा हुआ है, गरीब आदमी भैया पीछे आ जाओ, पीछे इधर आ जाओ भैया। अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रही है, न कोई आ रहा है, न कोई बात करने को तैयार। मंडल की उनका मानना है कि यहाँ पर कई बार कंप्लेन की गई है मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की गई और यहाँ अभी किस कोई ना पुलिस दिखाई दी है, ना ही कोई प्रशासन दिखाई दिया, कोई भी यहाँ पर अभी तक पहुँचा नहीं है यहाँ पर इनका हाल चाल लेने के लिए। और भी यहाँ पर के जो दुकान मालिक हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला हुआ है। क्या नाम है आपका? मुकुल। मुकुल, आपकी दुकान इसमें थी क्या? कितने का माल उसमें था? हमारी दुकान में करीब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच चलाते थे आज वो भी यहाँ पर धस गई है। और अब देखना ये है कि इस पर पुलिस प्रशासन या सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या इनको दुकानें बनवा के देती है या नहीं। मैं वकार हुसैन, पावर ऑफ जन अधिकार से। ब्रेकिंग। थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत फायर ब्रिगेड के सामने जर्जर मार्केट गिरी। मार्केट में 5 से 7 दुकानें हैं, ऑटोमोबाइल सारी भर भरा के धसी। दुकानदारों की माने तो दुकानों में लाखों का सामान है। मार्केट में 6 दुकानें थी। धसी हुई दुकानों के मालिक के नाम राहुल, कमल, मुकुल, अवनीश, उत्सव, वाहक, सुनील। इन लोगों का आरोप है कई बार मार्केट मालिक मोहित सिंह को कई बार कंप्लेन की गई है मगर मोहित सिंह के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। लगता था कि वे इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। इस मार्केट को छोटे लाल बाग के नाम से भी जाना जाता था। यह पर सारी दुकानें ऑटोमोबाइल की थी। दुकानदार दुकानों का किराया भी अदा करते हैं 1,750 रुपए और लाइट अलग से। मार्केट के पीछे राम दुलारी नाम की महिला रहती है। अपने परिवार के साथ कहना है कि उसका भी लाखों का नुकसान हुआ है। जो कुछ सामान था वे सब उसमें दब गया। 1-2 पहिया वाहन भी उसी में दब गया। सारे कपड़े भी हमारे उसी में दब गए। कुछ भी ना रहा। जहां राम दुलारी रहती है वे भी प्लॉट मोहित सिंह का है। थाना ठाकुरगंज चौकी हुसैनाबाद चौक फायर स्टेशन के गेट फायर स्टेशन के सामने का मामला। वकार हुसैन की रिपोर्ट। हमारा नाम राम दुलारी। क्या कितने का नुकसान हुआ आपका? क्या हुआ? कम से कम हमारा 1.5 लाख हुआ है, ज्यादा क्या नहीं हुआ है। क्या क्या था सामान में? सामान में तो बहुत कुछ रहा है, क्या क्या गिना है। सामान कहाँ बता पाएंगे? गृहस्थी रहा है सारी। क्या नाम है आपका? हमारी दुकान का नाम अवध ऑटो पार्ट्स है। हम अवनी से बोल रहे हैं, दुकान मालिक यहाँ से। दुकान से आज बेटी पूरी सुबह टाइम गिर गई और हम लोग का सब यहाँ पे पूरा क्षति हो गई। पूरा सामान, दुकान का सब सामान, पूरा कारोबार हम लोग का छिन गया। और इसकी शिकायत हम अपने जो हमारे रहते थे उनसे बराबर कहा भी तो उन्होंने। कितने का नुकसान हुआ है आपका उसमें? अब ये तो कुछ अंदाज नहीं है, ऐसे लगा पाएंगे, लेकिन 10 के अंदर का तो कम से कम होगा। तकरीबन कितना आपकी दुकान थी इतना तो पता होगा, कितना होगा सामान? दुकान आपकी थी इतना पता होगा ना कितना सामान इसमें था? 10 लाख के अंदर ही का होगा मेरा जो भी नुकसान।
दुकान है वो तो काउंट होगा, देखेंगे। फिलहाल मेरा सब सामान पूरा चला गया, सब पूरी बिल्डिंग ढक गई है और काफ़ी दिन से पानी व्यवस्था होता जा रहा था, तो इसकी हम लोग बराबर जो दुकान मालिक हैं उनसे कहते भी रहते थे कि इसको ठीक कराइए, तो ठीक नहीं कराने का कुछ होता था, बराबर अपना समय पूरा सब कुछ काम करते थे, लेकिन हम लोग का ठीक नहीं हुआ। बाकी अच्छा